राजस्थान में कांग्रेस शासन जन जन के लिए अभिशाप बन गया है। इसको लेकर 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सचिवालय के महाघेराव में 10,000 से अधिक लोग जयपुर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक देवीशंकर भोजा ने रविवार को राशि रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जनता को झूठे घोषणा पत्र का सब्ज बाग दिखाकर अनैतिक बेशाखियों के सहारे बनी यह सरकार अपने काले कारनामों व अनैतिक आचरण के कारण वेंटिलेटर पर पड़ी अंतिम सांसें ले रही है। पुत्रा ने कहा कि राजस्थान के इतिहास की यह पहली सरकार है जिसे मुख्यमंत्री के सलाहकार मंत्री वरिष्ठ विधायक भी भ्रष्टाचार व जंगल राज के आरोप विधानसभा के पटल पर सरकार पर लगा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस मंत्री को अपनी सरकार को बचाने वाला रहनुमा बता रहे थे, आज वो ही उनके द्वारा किए 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की लाल डायरी विधानसभा की टेबल पर रखना चाहता था, किंतु उससे छीन कर बाहर का दरवाजा दिखा दिया। लाल डायरी की परतें खुलेगी तो कईयों की दुकानों पर ताले लग जाएंगे। भूत्रा ने कहा कि अजमेर जिले के केकड़ी में घटित घटना में आमजन को विचलित कर दिया है। जिस तरीके से प्रशासन विधायकों की दबंगाई से लाचार है, केकड़ी की घटना साबित करती है। पीड़ित अशोक गौतम के वीडियो में स्पष्ट कहा है कि वह विधायक रघु शर्मा को जन्मदिन का तोहफा दे रहा हूं क्योंकि आपके सीपे सलाहकारों से प्रताड़ित हूं, किंतु आपने मुझे राहत नहीं दी, इस कारण आज मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूं। इतना सब स्पष्ट होते हुए भी पहले मुकदमा दर्ज नहीं करना और बाद में विधायक का नाम का उल्लेख किए ही मामला दर्ज करना मुकदमे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूत्रा ने कहा कि 30 त्यौहार मनाना भी तुष्टिकरण के कारण संभव नहीं है। पेपर लीक, गैंगरेप, गैंगवार, नशा कारोबार, पानी व बिजली की समस्या से आमजन परेशान है। बिजली के बिलों ने आमजन को ऐसा करंट मारा है कि आमजन में हाहाकार मचा हुआ है और गहलोत सरकार कुर्सी बचाने की जुगत में लगी हुई है। भूत्रा ने कहा कि भाजपा इन सारे विषयों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, अब नहीं सहेगा राजस्थान, इस कुशासन को लेकर अभियान चल रहा है जो 1 अगस्त जयपुर सचिवालय घेराव के साथ सम्पन्न होगा। उसके बाद स्थानीय विषयों और मुद्दों को लेकर आक्रामक संघर्ष किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला महामंत्री पवन जैन, जिला मंत्री करण सिंह रावत, एसए मोर्चा जिला अध्यक्ष चेतन गोयर, मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर, जिला सह संयोजक जितेंद्र ठटेरा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पौने 5 शासन से आम जनता त्रहिमान त्रहिमान है। किसान हो, युवा हो, महिला हो और चाहे दलित वर्ग हो, हर वर्ग त्रहिमान त्रहिमान है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कोई लोग जल करके मर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए अपने नुमाइंदों को, अपने विधायकों को इनमें लिप्त होते हुए भी उनके कार्रवाई करने से बचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है और पिछले 10 दिन से नहीं सहेगा राजस्थान के विषय को लेकर कर आंदोलन चला रही है और 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के अजमेर देहात से 10,000 से अधिक लोग जयपुर के अंदर सचिवालय के घेराव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आज राजस्थान की और अजमेर जिले की हालत बहुत दर्दनीय है। अजमेर जिले के केकड़ी के अंदर जो दिल दहलाने वाला घटनाक्रम हुआ है, एक व्यवसायी ने जनप्रतिनिधि और सत्ता के जुड़े लोगों के प्रताड़ित होकर कर और उन्होंने अपना एक वीडियो जारी कर उस वीडियो में यह कहना कि माननीय विधायक रघु जी, आपने मुझे अपने चेले चापटों से रात नहीं दी तो आज मैं खुदकुशी करने के लिए मजबूर हूं। ये चिंतनीय विषय है, ये जांच का विषय है कि ऐसा जो घटनाक्रम घटित हुआ है, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि आए हुए को राहत पहुंचाए, लेकिन नहीं देना, याद देना ये आज घटनाक्रम हुआ है।